नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी चटपटी चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है और मैंने किस तरीके से बनाया है। चार उबली हुई आलू और ये काबुली चना, इसको 5-6 घंटे पहले भिगो लिया था और इसके बाद हमने इसको उबाल लिया है। थोड़ा सा नमक डाल करके, 4-5 हरी मिर्ची, नमक स्वाद के अनुसार, बेसन, मिक्स मसाला, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर और ये चाट मसाला, अमचूर पाउडर, काला नमक, जीरा पाउडर, जीरा, प्याज और ये इमली की चटनी, दही और ये बारीक वाली सेव, हरी चटनी। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। गैस पे हमने तेल चढ़ा दिया है और तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें डाल देनी है हरी मिर्ची, जीरा डाल देंगे, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर में सामग्री में नहीं दिखा पाई थी। अब डाल देंगे बेसन, थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा हम बचाएंगे इसको, बहुत ही कम डाल रहे हैं। और गैस को बिल्कुल मद्दी रखना है, नहीं तो बेसन जल जाएगा। हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर, सबको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से और डाल देंगे थोड़ा सा नमक और 1 गिलास पानी। पानी ऐड कर देंगे, इसको इस तरीके से मिला लेंगे अच्छे से। देखिए पानी हमारा उबल गया है, अब हम इसमें डाल देंगे ये काबुली चने जो हमने उबाल करके रखा था। अब इनको पकने देंगे। ये मटर हमारा पक चुका है, अब चलते हैं आलू की तरफ। आलूओं को फोड़ लेंगे इस तरीके से, हम पूरा मैश कर लेंगे। तो ये देखिए आलू को हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे जीरा पाउडर, धनिया पत्ती, अमचूर पाउडर, काला नमक और थोड़ा सा सादा नमक, बहुत थोड़ा डालेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। और ये मिक्स मसाला लिया था हमने, तो ये मिक्स मसाला घर में ही बनाया, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी मिर्ची को सबको भून करके और पीस लिया है। और बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला और हरी मिर्च। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपको खाना पसंद है। ये देखिए आलू हमारी पूरी अच्छी तरीके से मिल चुका है, पूरा मसाला आलू में जो हमने डाला था। तो अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे इस तरीके से और इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। जैसे आलू को थोड़ा सा पोर्शन तोड़ेंगे और इसे इस तरीके से हम गोल गोल ऐसे टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए ये सारी टिक्कियाँ हम इसी तरीके से बना करके तैयार कर लेंगे। ये हमारी सारी टिक्कियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे पैन रख दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में। ये थोड़ी देर गर्म हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। जब पैन गर्म हो जाए तो उसमें डाल देना है तेल और इसे इस तरीके से फैला लेंगे चारों तरफ। और अब हम इसमें रख देंगे टिक्कियाँ एक एक करके। अब टिक्कियों को पलटा लेंगे इस तरीके से, सावधानी से पलटाना है नहीं तो जल जाएगा हाथ। इस तरीके से टिक्कियाँ अच्छी तरीके से पक चुकी हैं, कलर भी कितना अच्छा आया है, प्यारा सा। तो चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। तो ये हम पहले 2 टिक्कियाँ रख देंगे इसमें इस तरीके से। अब हमने जो ये छोले पका करके रखे थे वो डाल देंगे इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे हरी चटनी और ये मीठी चटनी, डाल देंगे प्याज, थोड़ी सी दही, दही को अच्छे से फेंट लीजिए इसके बाद डालिए तो अच्छा रहता है, सेव, थोड़ी सी धनिया पत्ती, हमने थोड़ा सा मिक्स मसाला रखा था तो वो डाल देंगे इसमें, और ये जीरा पाउडर, चाट मसाला, थोड़ी सी दही डाल देंगे ऊपर से। ये देखिए बहुत ही टेस्टी हमारा चाट बनकर के तैयार है। ये हमारी बहुत ही टेस्टी चाट बनकर के तैयार है, बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए,
ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।